वोट खुद भी देना है और जो हमसाए हैं उनको भी तैयार करना है, जो नहीं मानता उसको ना माने, लेकिन आप इतना तो कहें ना कि हम चार बच्चों को लेकर जंगे कादसिया में नहीं गई। हजरत खनसा के चार बच्चे थे और बेवा भी थी, लेकिन जब इस्लाम को ज़रूरत पड़ गई जंगे कादसिया में तो हजरत खनसा अपने चारों बच्चों को लेकर चली गई। और वहाँ आपने तो ये काम नहीं करना, आपने तो सिर्फ जाकर वहाँ पर्ची डलवानी है और उस पर्ची की हिफाजत करनी है। ये तो वो तो बड़े ही लोग थे ना जो जो इतना बड़ा काम कर गए। चारों बच्चों को लेकर गई और चारों बच्चों को एक वसीयत की उन्होंने। जब जंग में जाने लगे ना तो आपने फरमाया भाई मैंने आपको हलाली दूध पिलाया है, ये लफ्ज़ है, हाँ जी मैंने हमको हलाली दूध पिलाया है और आज उस मेरे दूध के वफा करने का वक्त आ गया, इस्लाम को कादसिया में ज़रूरत पड़ गई है, मेरा बच्चा वो है जो जिंदा वापसी पर मेरे साथ मुलाकात न करे। ये है इकबाल कहता है ना, बेहला दुख तरक ई दिल बरिया मुसलमारा न जेबत काफरिया। इकबाल कहता है मुसलमानों की बेटी ये फैशन अपना कर तू अपने जिस्म नंगे करके मटक मटक कर बाजारों गलियों में तू चलती है, ये मुसलमान बच्चियों को काफरों की तहजीब जेब नहीं देती। बेहला दुख तरक ई दिल बरिया मुसलमारा न जेबत काफरिया, मुसलमान बच्चियों को काफरों की ये हरकतें जेब नहीं देती। फिर इकबाल ने आगे जो बात की ना, उसने कहा कि चिपेश आ जा चिपेश उफ्तादू तमादी अज जबीने उम हातश। इकबाल कहता है जो कौम ये चाहती है ना कि उसका हाल क्या है और उसका मुस्तकबिल कैसे होगा, हाल ये कौम कैसे गुजर रहा है इसका, या मुस्तकबिल इस कौम का क्या आने वाला है, तो इकबाल कहता है इस पर कोई लंबे चौड़े मजमून लिखने की ज़रूरत नहीं, तकरीरें करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ़ मुसलमानों की माओ को देख ले, मुसलमानों की माएँ जैसे हाल में हैं वही मुसलमानों का हाल है और मुसलमानों की माओ का जो अब हाल है कौमों का मुस्तकबिल भी वही है। हम आपको उस तरह कि ताकि आपको देख कर हाँ मुसलमान ख्वातीन को देखकर कुफर लर्जे कि मुसलमानों का हाल भी अब दुरुस्त होने वाला है और मुस्तकबिल भी रोशन होने वाला है। हाँ इकबाल का तमादीद अज जबीने उम्महातश कि मुसलमानों की जो माएँ हैं ना उनका किरदार उनका लिबास उनका मेहनत उनकी कोशिशें और दीन के लिए बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना, कहने लगा उससे पता चल जाएगा कि दीन तख्त पर अब आने वाला है। ये बात। और इकबाल कहता है तू नमीदानी कि किराते सोजे तू तकदीर उमर रा दिगर पर। इकबाल कहता है तू नहीं जानती कि तेरे कुरान पढ़ने के सोज की वजह से हजरत उमर की तकदीर बदल गई। हाँ जी हाँ जी, हजरत फारूक आजम की हमशीरा कुरान ही पढ़ रही थी ना हजरत उमर जब तलवार लेकर आए थे। तू नमीदानी कि किराते सोजे तू, क्यों जी हाँ तू नहीं जानती कि तुझे क्या पता है कि वो क्या बन गया था कि हजरत उमर जो है वो जब कुरान का आवाज़ एक सुनी तो पहले हमशीरा को मारा फिर कहा कि वो बताओ तो सही वो क्या पढ़ रही थी तू। तू नमीदानी कि किराते सोजे तू तकदीर उमर रा दिगर कर, का तुझे नहीं पता कि तेरे किरात के सोज ने उमर की तकदीर को बदल दिया था। तो तुझे कुरान की तरफ आना चाहिए और तुझे कुरान की दावत लेकर, लोग गलत दावतें लेकर और चोरों के लिए लोग जाते हैं डाकुओं के लिए जाते हैं, तो आप जब भी लोगों के पास जाएं तो उनको समझाएं कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का ये किरदार है, आपकी साहबजादी हजरत रुकैया का ये किरदार है, हजरत ज़ैनब का ये किरदार है, हजरत उम्मे कुलसुम का ये किरदार है, हजरत उम्मे खल्लाद का ये किरदार है, उम्मे उमारा का ये किरदार है, उम्मे आमिर का ये किरदार है, हजरत उम्मे सलमा का ये किरदार है। हम कोई कलाश तो है नहीं, हम जो ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास कोई चीज़ नहीं है। हाँ जिस तरफ कोई चाहे रहनुमाई लेना चाहे बच्चियों के लिए लेना चाहे इस्लाम में वो भी मौजूद। हाँ ये तो हम इस ऐसी गदागर बने हुए हैं कि लोगों की तरफ देखते हैं कि जी वो क्या है वो क्या है वो क्या है वो क्या है। ये गदागरी छोड़े और जो भी इन्हें जाना जो भी बात पूछनी हो हुजूर का घर भी मौजूद है, हुजूर की साहबजादियाँ भी मौजूद है, हाफजा भी मौजूद है, नामूस रिसालत पर पहरे देने वाली भी मौजूद है, अपने बच्चों को मैदान में भेजने वाली भी मौजूद है और अपने बच्चों की चारों लाशों को देखकर जंगे कादसिया में हजरत खनसा चारों बच्चों की लाशों को देखकर हजरत खनसा रोई नहीं। जब सहाबा ने ताजियत करना चाहिए ना हमारे ये हमारे पास है
جہاں کوئی دنیا کی قوم بتائے جس کے چار بیٹے گئے ہوں اور پھر وہ عورت میدان جنگ میں کیا کہہ رہی ہو. صحابہ نے کہا آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے, تعزیت کرنا چاہیے. فرمایا نہیں نہیں, یہ بات نہیں کرنی, میں بتاتی ہوں میں کون ہوں. تو آپ نے وہ اپنے بیٹوں کی لاشیں سامنے رکھ کر کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم. یا اللہ تیرا شکر ہے, قیامت تک مسلمان عورتوں کو بتا دیا یا اللہ تیرا شکر ہے. تیرے محبوب کے غلام تو تعزیت کرنا چاہتے ہیں نا, ایسے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, آج تو نے مجھے ان چار شہیدوں کی ماں بنا دیا.